दादा कोंडकी के बारे में शक्ति कपूर ने क्या कहा जानते हैं। मराठी सिनेमा में कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता और निर्देशक दादा कोंडकी ने न सिर्फ मराठी सिनेमा बल्कि हिंदी कलाकारों के दिलों पर भी राज किया है। जब दादा कोंडकी की फिल्म रिलीज होने वाली होती थी तो बॉलीवुड के अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर भी घबरा जाते थे। समीकरण ऐसा था कि दादा की फिल्म एक बार सिनेमाघरों में आ जाए तो कम से कम 25 हफ्ते तक निकलती नहीं थी। बॉलीवुड में हीरो ही नहीं बल्कि खलनायक भी दादा की एक्टिंग के दीवाने थे। दादा कोंडकी के बारे में खूब बातें करने वालों की लिस्ट में हिंदी एक्टर्स भी कम नहीं थे। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर ने भी दादा से जुड़ी एक खास याद साझा की है। शक्ति कपूर ने एक वीडियो शेयर करते हुए ना सिर्फ दादा की एक्टिंग की सराहना की बल्कि इस बात भी प्रकाश डाला है कि दादा कोंडकी कितने दयालु इंसान थे। शक्ति कपूर इस वीडियो में कह रहे हैं कि उस दौरान दादा के साथ काम करना बहुत कुछ सीखने जैसा था। मैं इसके लिए खुद को भाग्यशाली भी मानता हूँ। मैंने दादा कोंडकी के साथ हिंदी फिल्म आगे की सोच में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग दादा के फार्म हाउस पर शूट थी। मैंने सहजता से दादा से पूछा, आपके फार्म हाउस का क्षेत्रफल कितना है? दादा ने मुझे जो उत्तर दिया उसे सुनकर मैं अवाक रह गया। दादा कोंडकी ने कहा, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है यही हमारा फार्म हाउस है। इतनी बड़ी जगह का मालिक मेरे सामने खड़ा था और उसे जरा भी घमंड नहीं था। आजकल जब लोगों को अपने धन का दिखावा करते हुए देखता हूँ तो दादा कोंडकी की वह बातें याद आ जाती है। जब तक हम फार्म हाउस पर शूटिंग कर रहे थे दादा कोंडकी ने मुझे गांव का खाना जी भर कर खिलाया और उस स्वाद से मेरा मन तृप्त हो गया। हर शाम कई लोग दादा कोंडकी के पास आते थे। गाँव के युवक और बूढ़े अपनी समस्या लेकर आते थे और दादा खुले दिल से उनकी मदद करते थे। दादा ने कभी भी अपनी दानशीलता का प्रदर्शन नहीं किया। दादा कोंडकी एडवांस में इनकम टैक्स भरने वाले एकमात्र अभिनेता होंगे। वे हमेशा टैक्स में अधिक राशि का भुगतान करते थे ताकि वे नहीं चाहते कि कोई उन पर उंगली उठाए। आजकल भगवान ने ऐसे लोगों को बनाना बंद कर दिया है। बेहद सख्त, अनुशासित और उतने ही संवेदनशील व्यक्ति दादा कोंडकी ने मराठी सिनेमा को इतना उत्साह दिया है कि उनकी फिल्में कभी पुरानी नहीं होगी। मराठी सिनेमा के शो मैन कहे जाने वाले दादा कोंडकी ने दो दशकों तक दर्शकों को अपनी फिल्मों से सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही किया है।